हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केटर्स प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केटर्स प्रोजेक्शन का मीनिंग मतलब इंट्रोडक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ओके, मार्केटर्स प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। ओके, देखिए मार्केटर प्रोजेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन बिकॉज ये चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो, एमसीक्यू बेस्ड या एकेडमिक एग्जाम्स बीएएमए या बीएससी एमएससी ज्योग्राफी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जनरली। और मतलब चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एमसीक्यू बेस्ड नेट जेआरएफ हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो ज्योग्राफी से, उसमें मार्केटर्स प्रोजेक्शन क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिजाइन बाय डच कार्टोग्राफर गेराल्डस मार्केटर इन 1559 एंड इट इज वाइडली यूज इन नेविगेशन। जो ये मार्केटर्स प्रोजेक्शन है ये बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, और इसकी पॉपुलैरिटी के कुछ खासे रीजन्स भी हैं। देखिए हुआ क्या था, ये जब डिस्कवर किया गया था गेराल्डस मार्केटर ने 1559 में, तब जब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो जिसमें ब्रिटेन आता है, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ठीक है, डेनमार्क, ये जितनी भी कंट्रीज़ थी ये इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज फॉलो कर रही थी, इम्पीरियलिज्म कर रही थी, दूसरे कॉन्टिनेंट में जा जाकर वहाँ की जो भी कंट्रीज़ थी उसको कॉलोनीज बना रही थी। ठीक है, तो उसके लिए उनको पहला काम तो नेविगेशन के लिए ज़रूरत पड़ा था, कुछ प्रोजेक्शन मैप नेविगेशन की ज़रूरत पड़ते थे। तो मार्केटर ने जब ये प्रोजेक्शन बनाया तो ये बहुत ही यूज़फुल रहा नेविगेशन के लिए, तो इसलिए ये पॉपुलर हुआ। सेकेंड जो रीज़न था इसकी वाइड पॉपुलैरिटी के लिए, बिकॉज उस टाइम जब ये प्रोजेक्शन बना था, ठीक है, तब ज़्यादातर ये ब्रिटेन और जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनका बोलबाला था। ठीक है, और इस प्रोजेक्शन से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो मतलब 60 डिग्री के ऊपर वाले जितने भी एरियाज़ हैं, 60-70 डिग्री के ऊपर वाले जितने भी एरियाज़ हैं, उन सब का साइज़ काफ़ी बड़ा लगता है देखने में। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी मतलब दूसरी कंट्री का कोई इंसान अगर वो मैप देख रहा होगा तो उस जगह अरे वाह इतना बड़ा ब्रिटेन है या इतना बड़ा डेनमार्क है। ठीक, तो जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, जो ग्रीनलैंड का ग्रीनलैंड आइलैंड है, ठीक है, वो आइलैंड इस मार्केटर प्रोजेक्शन में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बड़ा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है, रियलिटी में साउथ अमेरिका ज़्यादा बड़ा है ग्रीनलैंड से। तो ये होता है कि जो ऊपर के जो जितने भी एरियाज हैं, हाई लैटिट्यूड के जितने भी लैंड मासेस हैं, उनका जो शेप है, ठीक है, उनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। तो इस वजह से फॉल्स इंप्रेशन देने के लिए लोगों को, ये जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस प्रोजेक्शन को वाइडली यूज़ किया कि ब्रिटेन इतना बड़ा है, डेनमार्क इतना बड़ा है। ओके, तो इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Draw a marketer's projection to represent the map of world on RF 1:300000000 with interval is 20 degree. ठीक, रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ यानी 635000000 को RF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब RF से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, उसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालने के लिए 2πr क्या होता है, ऐसे ही हमारा ग्लोब है, इसका जो इक्वेटर है ये बीचों बीच में जाता है। तो इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल होता है, मतलब पूरे पूरे ग्लोब से पास हो रहा है, ठीक, लार्जेस्ट है। तो मतलब ये जो हमारा सर्कल इक्वेटर है ये अर्थ के पूरे सर्कमफेरेंस को कवर करता है। ठीक, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये 2πr। ठीक, तो 2×22/7×r हमारा क्या है, 2.1। तो हमारा लेंथ ऑफ इक्वेटर आ गया 13.2 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस, ठीक, अब जैसे हमारी ये इक्वेटर है और ये मेरिडियंस है, अब इनके बीच का क्या डिस्टेंस होगा हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन निकालने के लिए हम लोग सर्कमफेरेंस को जो हमारा इंटरवल दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। 360 डिग्री से क्यों, बिकॉज इसमें पूरे एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। तो हम लोग 2πr मतलब इसका 2πr इंटू इंटरवल अपॉन 360 डिग्री। तो 2×π की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 2.1 इंटू 20 जो हमारा इंटरवल है अपॉन 360, तो ये आ गया 0.73 सेंटीमीटर।
तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में या दो मेरिडियंस के बीच में जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई हमारी 0.73 सेंटीमीटर। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन। ओके, अब जो हम लोग देखेंगे वो जो पैरेलल्स हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। हम लोग ने जैसे ये इक्वेटर लाइन बनाई, उसके ऊपर जो पैरेलल्स बनेंगे, लैटिट्यूड लाइंस बनेंगी, इनका इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है, ये भी हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो या तो आप उस फार्मूले को यूज़ कर लें, या टेबल आती है जिसमें वैल्यूज़ पहले से कैलकुलेटेड होती हैं, आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये फार्मूला होता है 2.3026 इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन, जो हमने निकाला था 2.1 सेंटीमीटर इस केस में। फिर लॉग ऑफ टैन 45 प्लस थीटा बाय 2। थीटा का है आप क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मान लो हमको 20 डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस निकालना है इक्वेटर से, 40 डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर थीटा 40, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 80। तो हर बार हम लोग हर लैटिट्यूड के लिए अलग अलग यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। तो एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे इसमें वैल्यू आएगी। तो अगर हमको 40 डिग्री के लिए निकालना है, तो 40 डिग्री के निकालने के लिए हम लोगों को इसको हमने लिख दिया 2.3026 इंटू आर, हमारा क्या आया था 2.1 इंटू लॉग ऑफ टेन 45 डिग्री प्लस, हमें 40 का निकालना है तो 40 बाय 2, इसको हम लोग लिख देंगे टेन ऑफ 20 प्लस 45, ये हो जाएगा 65। 40 का हाफ 20 एंड 20 प्लस 45 65। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग, या तो आपके आपको देखो, या तो आपको लॉग टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स दी जाएंगी, ठीक, या तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होगा, ठीक। तो उसी से हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज ये वैल्यूज तो हम लोग याद कर नहीं सकते। तो ये कैलकुलेटर है हमारे पास, तो 2.3026 इंटू 2.1 इंटू लॉग ऑफ टेन, हमारा क्या आएगा 65। हमने बंद कर दिया, ठीक, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1.602, यानी 1.60। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 1.60, हमारे ऊपर क्या आई है 1.60, ठीक है। तो या तो आप इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा आपको डिस्टेंस फ्रॉम जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, या तो आपको टेबल दी जाएगी। टेबल कैसे दी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी बुक है, और बुक में ये देखिए ये टेबल्स दी हुई हैं, ठीक। जैसे 5 डिग्री लैटिट्यूड के लिए 0.8087 आर, 10 डिग्री लैटिट्यूड के लिए 0.175 आर, 15 डिग्री लैटिट्यूड के लिए 0.265 आर, ठीक। मतलब यहाँ पर आर क्या डिनोट कर रहा है, आर मतलब जो है हमारा वो रेडियस ऑफ द प्रोजेक्शन है, ठीक। कि अगर हमें 20 डिग्री की लेंथ निकालनी है इक्वेटर से, तो 0.356 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस से। 35 का निकालना है, 0.653 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस से। तो जिस भी लैटिट्यूड का हमको निकालना है, जो लेंथ फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर है, उसकी वैल्यू जो हमने निकाल रखी है उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यही काम उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर की लेंथ की डिस्टेंस क्या होगी, 0.356 इंटू आर यानी 2.1, तो 0.75 आ गई। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर 0.763 इंटू आर 1.6 आ गया। 60 डिग्री के लिए भी हम लोगों ने टेबल दी, टेबल से वैल्यू देखी और आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.76 आ गया। सिमिलरली 80 डिग्री के लिए हम लोगों ने टेबल से वैल्यू ली और आर से मल्टीप्लाई किया तो 5.1 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर है, जैसे अगर ये 20 डिग्री लैटिट्यूड है, 20 डिग्री का लैटिट्यूड 0 से डिग्री से कितना होगा 0.75 सेंटीमीटर। सिमिलरली 40 डिग्री होगा 1.6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही चारों लैटिट्यूड लाइंस का इक्वेटर से डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया। तो हमारा जो इक्वेटर से डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो गया चारों लैटिट्यूड्स का, और जो दो मेरिडियंस हैं इनके बीच का जो
डिफरेंस है, ये भी कैलकुलेट हो गया पहले ही मैथमेटिक्स में। अब सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं, हमको सिर्फ ग्रेटिक्यूल्स बनाने हैं जो कि बहुत इजी हैं। बस ये थोड़ी कैलकुलेशन ही टिपिकल होती है इसमें, बाकी कुछ भी टफ नहीं है इस प्रोजेक्शन में, बहुत आसान प्रोजेक्शन ही है। ओके तो हम लोग अब ग्रेटिक्यूल्स बनाएंगे। ग्रेटिक्यूल्स बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पर रेडियस लिख दिया है, जो हमारा लेंथ ऑफ इक्वेटर था 13.2 सेंटीमीटर, बिटवीन टू मेरिडियन 0.73 सेंटीमीटर, और चारों लैटिट्यूड्स की इक्वेटर से लेंथ यहाँ हम लोग ने शॉर्ट में पेंसिल से लिख दी है। अब सबसे पहले हम लोग 13.2 सेंटीमीटर की एक लेंथ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, 13.2 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन से दो वर्टिकल लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉर्नर्स पे, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक। इसको हमने नाम रख दिया ए, इसको रख दिया बी। अब हम लोगों को इनमें मेरिडियंस के आर्क्स लगाने हैं, ठीक है। तो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 0.73 सेंटीमीटर। तो हम लोग अपनी स्केल लेंगे और 0.73 सेंटीमीटर अपने कंपास में नापेंगे, 0.7 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट हो गया। अब कितने आर्क लगेंगे, देखिए 360 डिग्री होता है हमारा डिग्री एक सर्कल में, और हमारा इंटरवल कितना है 20 डिग्री। तो अगर इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री, मतलब 18 हमारे कट्स बनेंगे, मतलब 18 आर्क हम लोगों को इस पर लगाने हैं। तो यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे ही पूरी लाइन पे लगेंगे। ओके ओके तो हम लोगों ने सारे बीच में टोटल 18 आर्क्स बना दिए, यहाँ पर 1 से लेकर 17 बीच में और एक ही 18। ओके अब हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स के आर्क्स बना दिए। अब लैटिट्यूड्स के बनाने के लिए जो हम लोगों ने लेंथ फ्रॉम इक्वेटर निकाली थी उसको हम लोग लेंगे। 20 डिग्री लैटिट्यूड का लेंथ इक्वेटर से क्या था, ये हमारा 0 डिग्री लाइन है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो 20 डिग्री वाली लाइन कितनी है, 0.75। तो 0.75 हम लोग फिर से इसमें लेंगे, हम लोग अपने कंपास में 0.75 सेंटीमीटर लेंगे, ये हम लोगों ने लिया, ठीक। अब ए और बी दोनों से एक कट ऊपर एक कट नीचे, नॉर्थ एक कट इधर नॉर्थ और एक कट नीचे साउथ में। ओके क्यों हम लोगों ने दोनों तरफ लगाया है, ताकि हम लोगों की लाइन स्ट्रेट हो, ठीक है। आप लोग एक तरफ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों तरफ लगाना है, बस ताकि हम लोग जब लाइन खींचें यहाँ पर तो हमारी स्ट्रेट लाइन बने, इस वजह से हम लोग दोनों तरफ लगाते हैं। 40 डिग्री वाली लाइन 1.6 सेंटीमीटर, तो हम लोग ने फिर से लिया कंपास और 1.6 सेंटीमीटर के लेंथ पे बी से, मतलब आपका जो भी, मतलब जैसे आपका 15 डिग्री इंटरवल हुआ तो 15 डिग्री के हिसाब से आप अपना निकालेंगे, क्या कहते हैं, रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, और उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरवल होगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। देन 60 डिग्री के हिसाब से 2.76, तो एक ऊपर एक नीचे, फिर ए में एक ऊपर और एक नीचे। सिमिलरली फॉर 80 डिग्री 5.1 सेंटीमीटर। ओके तो ये हमारा सारा कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट खत्म, हम लोगों को सिर्फ इसमें लाइंस मिलानी है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी बाउंड्री खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसको मिला देते हैं, और इधर ये वाली लाइन, ठीक, ये हो गई हमारी 0, 20, 40, 60 और 80। अब ये हमारी बाउंड्री है उनकी प्रोजेक्शन की। अब हम लोग सारी लाइंस जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स की हैं वो मिला देते हैं स्ट्रेट लाइंस। ठीक, ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस बन के रेडी हो गई। अब लॉन्गिट्यूड्स बनाने के लिए ये जितने भी आर्क्स लगाए थे यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी सारी लॉन्गिट्यूड की लाइंस आ जाएंगी। ओके तो इसको भी कर लेते हैं।
तो ये हमारी सारी लॉन्गिट्यूड्स की और लैटिट्यूड्स की लाइन बनके रेडी हो गई है, हमारा प्रोजेक्शन बनके भी रेडी हो गया है। अब सिर्फ इसमें लेबलिंग बची है और आउटलाइनिंग बची है, तो इतना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये सब रब कर देंगे और जितना भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनको ब्लैक स्केच से आउटलाइन कर देंगे। आप चाहे तो जो आपने आर्च लगा ली हो ना, तो डायरेक्ट ब्लैक स्केच से बना लीजिए, डबल डबल काम करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, जैसे हम लोग ने आर्च लगा लिए थे तो मैंने पेंसिल से बनाए, आप डायरेक्ट स्केच से या ब्लैक पेन से बना सकते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री, ये 40, 60 एंड दिस इज 80 डिग्री। सिमिलरली 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। ठीक, तो अब लॉन्गिट्यूड्स की लेबलिंग कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री वेस्ट, यो इसको छोड़ दिया हम लोग ने, फिर ये 140, देन इसको छोड़ दिया, ये हमारा हो जाएगा 100, ये देखा हमारा 60। ओके, देन ये हमारा हो जाएगा 20, ये 0, देन ये फिर 20, ठीक है, ये फिर हो जाएगा हमारा 20, हो जाएगा हमारा 60, देन ये 100, 140 एंड देन इज 180 डिग्री ईस्ट। अब हम लोग ने 180 के बाद 40 यू लिखा है। आप तो चाहे, हालांकि यहाँ पर हमारा 20 डिग्री इंटरवल था, हमने वो मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज 180 की बात क्या आना चाहिए, 160, तो ये 160 डिग्री की लाइन है। आप चाहें तो यहाँ 160 भी लिख सकते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट होने के चक्कर में हम लोग ने यहाँ 160 नहीं लिखा है। ठीक, अब 140 के बाद 120 आना चाहिए, बिकॉज इंटरवल 20 डिग्री का था, तो 140 के बाद 120, देन 100, ठीक है, देन 80, देन 60, देन 40, देन 20। ठीक, किया तो वही काम है, बस यहाँ पर हॉटस्पॉट नहीं हो, गिचपिच मत ना हो, इस वजह से हम लोगों ने बीच वाली लाइन्स को स्किप कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, तो ये हमारी लाइन्स बन के रेडी होगी। इधर हम लोग ले देंगे वेस्ट, इधर हम लोग देंगे ईस्ट, ठीक, और ये हम लिख देंगे यहाँ पर इक्वेटर। ठीक है, हमारा आरएफ क्या था, हमारा आरएफ था जो स्केल थी, वो स्केल लिख देंगे यहाँ पर। ये सारा काम आपको पेन से करना है, ठीक है, 300000, यहाँ लिख देंगे मार्केटर्स प्रोजेक्शन। तो ये हमारा मार्केटर प्रोजेक्शन बनके रेडी हो गया है एकदम। अब इसको आउटलाइन करना है और सारा कुछ आपको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से लिखना है। ठीक, ये देखिए, ये बन के रेडी है एक और मार्केटर्स प्रोजेक्शन जो मैंने बनाया था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मैंने इसको ब्लैक पेन से आउटलाइन कर दिया है, पूरा ब्लैक से स्केच से लिख दिया है, ए बी, यहाँ पर इक्वेटर नहीं लिखा है जो मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वेटर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेंट्रल मेरिडियन, ये इक्वेटर, और ये सारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और हमारी ये स्केल। ठीक है, तो ये मार्केटर्स प्रोजेक्शन बन के रेडी हो गया है हमारा। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज अब डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, बिकॉज देखिए जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, उसमें प्रोजेक्शन बनाने को तो नहीं दे सकते। ठीक है, जो थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें प्रोजेक्शन बनाने को दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम कैसे देंगे, तो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मार्केटर्स की क्वेश्चन देते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल इज ट्रू एट द इक्वेटर बट स्केल इज इंक्रीज एट अदर लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटर पे स्केल एकदम सही होती है इसकी, लेकिन और लैटिट्यूड्स पे स्केल एकदम करेक्ट नहीं होती है। ऑल मेरिडियंस हैव सेम लेंथ एंड इक्वल स्पेसिंग। जैसे हमारा ये प्रोजेक्शन है मार्केटर, तो जितने मेरिडियंस हैं इन सब की लेंथ सेम है और इनके बीच की स्पेसिंग भी, मतलब इनके बीच की स्पेस भी एकदम सेम है। बट दे आर लॉन्गर देन कॉरस्पॉन्डिंग मेरिडियंस ऑन द ग्लोब। अब मान लीजिए हम लोगों ने 60 डिग्री वाली मेरिडियन ली है, ठीक है, 60 डिग्री वाली मेरिडियन की जो इसकी लेंथ है यहाँ पर, ठीक है, जो लेंथ इसकी है और जो एक्चुअल लेंथ है ग्लोब पे, वो ये वाली लेंथ काफ़ी ज़्यादा है उससे। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ पर बनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, स्केल कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल मेरिडियन है ग्लोब पे, वो छोटी है एज कम्पेयर टू द मेरिडियन ऑन द प्रोजेक्शन। स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल्स इंक्रीजेस टूवर्ड्स पोल, देखा हम लोगों ने, यहाँ पर तो डिस्टेंस कम है, फिर कम है, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम डिस्टेंस बढ़ रही है। तो जैसे पोल की तरफ मूव करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। शेप ऑफ एन एरिया इज मेंटेन बट डिस्टॉर्शन सीन हायर लैटिट्यूड्स। मैंने आपको बताया था कि क्यों ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी इसको यूज़ करते थे, बिकॉज यहाँ पर तो शेप, जो कंट्रीज यहाँ पर हैं उनका तो शेप सेम रहता है, लेकिन जो कंट्रीज इधर हैं नॉर्दर्न, मतलब ये 40 डिग्री के ऊपर, इनका शेप काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रीनलैंड यहाँ पर है, ग्रीनलैंड का जो शेप है वो साउथ अमेरिका से बहुत बड़ा दिखता है। ठीक,
नेक्स्ट इट इज़ अ टू डायरेक्शन प्रोजेक्शन, इसीलिए दिस रीजन इज वाई वी जो ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसी वजह से हम लोग उसको नेविगेशन पर्पज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ ट्रू डायरेक्शन और इट इज़ एन एजीम्यूथल प्रोजेक्शन, इट गिव्स टू डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्केल अलॉन्ग मेरिडियन इज इक्वल टू स्केल अलॉन्ग पैरेलल, जो स्केल मेरिडियंस पे है वही स्केल पैरेलल्स पे. अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ओके okay. ये क्या कहता है, सिंस द लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इन द प्रोजेक्शन, सो ईच स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन मर्केटर्स चार्ट कट लैटिट्यूड्स एट अ कॉन्स्टेंट एंगल सिमिलरली फॉर द लॉन्गिट्यूड्स एज वेल. इसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों राइट एंगल पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पर एक लैटिट्यूड को कट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो जितने भी लैटिट्यूड्स पे लाइन कट करेगी उसके एंगल सेम होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों एंगल आपस में सेम होंगे. सिमिलरली फॉर लॉन्गिट्यूड्स, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स पे ऐसी लाइन खींच दें तो ये वाला एंगल जो है और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स पे ये लाइन जाएगी तो उन लॉन्गिट्यूड्स के जो एंगल्स हैं वो सेम होंगे, ठीक. अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, एक सिटी है, और यहाँ पर एक सिटी है, ठीक, तो ये लाइन इन दोनों सिटीज़ को ज्वाइन कर रही है, ठीक. अब मान लीजिए लैटिट्यूड्स पे देख लें, अगर इस लैटिट्यूड पे एक सिटी है और इस लैटिट्यूड पे एक सिटी है और इस लैटिट्यूड पे एक सिटी है, तो ये लाइन इन तीनों सिटीज़ को मैच कर रही है, मतलब इन तीनों का एंगल या डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक. तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉक्सोड्रोम लाइन और रंब लाइन, ठीक. इसकी स्पेलिंग अगर आप लोग देखना चाहें तो रंब लाइन और लॉक्सोड्रोम लाइन, ठीक. द स्ट्रेट लाइन जो इन प्रोजेक्शन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट प्लेसेज नोन एज रंब लाइन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये अक्सर पूछा जाता है कि रंब लाइन इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन या लॉक्सोड्रोम लाइन. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो अभी इसी साल का मतलब 2020 का जो BHU एंट्रेंस एग्जाम था MA Geography का, उसमें दो क्वेश्चन आए थे मार्केटर्स प्रोजेक्शन से रिलेटेड, बल्कि तीन आए थे. एक आया था कि विच प्रोजेक्शन इज यूज इन नेविगेशन, उसका भी आंसर मार्केटर था, और दो क्वेश्चन और आए थे. पहला क्वेश्चन था कि रंब लाइन इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरा क्वेश्चन था कि लॉक्सोड्रोम लाइन इज, मतलब एक ही चीज़ दो बार पूछी थी जस्ट टू कन्फ्यूज, ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही एक ही चीज़ होते हैं, इनको सेम है, ठीक, ठीक. तो ये रंब लाइन और लॉक्सोड्रोम लाइन, अगर इसको हम लोग एक जरा मैप के थ्रू समझते हैं बुक से, ठीक. तो ये हमारी बुक है, इसमें देखिए ये एक एच, एच मतलब होनोलुलु आइलैंड, ये न्यू, एन मतलब न्यूयॉर्क, और एल मीन्स लंदन. तो इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक ये लाइन है, ठीक, और ये सेम एंगल बना रही होगी जो भी जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे यहाँ पर. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लॉक्सोड्रोम लाइन या रंब लाइन, ठीक. सिमिलरली यहाँ पर और सिमिलरली ये, ठीक. तो ये लॉक्सोड्रोम लाइन और रंब लाइन हो गया. उसके बाद ये प्रोजेक्शन यूज़ क्या करते हैं, दिस पोजिशन मैंने स्टार्टिंग में बताया और कई बार बताया कि दिस पोजिशन इज यूज फॉर नेविगेशन पर्पजेस, कि ठीक है, बिकॉज इट इज अ टू डायरेक्शन प्रोजेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज यूज इन नेविगेशन. एंड सेकंड इज मेकिंग द मैप ऑफ वर्ल्ड. हालांकि ये मैप ऑफ वर्ल्ड वाला काम अब बहुत कम किया जाता है इससे, बिकॉज मैंने बताया कि डिस्टॉर्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है. अब जनरली वर्ल्ड का मैप हम लोग रॉबिन्सन या गाल्स प्रोजेक्शन पर बनाते हैं, ठीक है. तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज, यूजेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्केटर्स प्रोजेक्शन. अब एक इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम ग्रुप से रिलेटेड, टेलीग्राम का मैंने जो मेरा चैनल है वो उसका डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है. तो उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, लेकिन एक टेलीग्राम ग्रुप का भी चैनल है, ठीक. तो टेलीग्राम चैनल में जो है वो मैं सिर्फ मैं मैसेज भेज सकता हूँ, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई नोट्स या कुछ PDF या कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप उस ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, जो मेरे पास आ जाएंगे और मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये पूरा मार्केटर प्रोजेक्शन के बारे में वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद.